हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एमसी वाली। आज आपने लास्ट लेक्चर में सीखा था टेबल बनाया कैसे जाता है, टेबल में कलर कैसे किए जाते हैं। आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि टेबल में आप रो स्पेन एंड कॉल स्पेन का कैसे यूज़ करते हो। आज के लेक्चर में आपके टेबल के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, जो बची कुची प्रॉपर्टीज़ हैं टेबल की आज वो आपकी कंप्लीट हो जाएंगी। ये PDF और नोट्स आपको कहाँ से लेने हैं ये आप जानते हो बहुत अच्छे से, लास्ट वीडियो अगर आपने लास्ट लेक्चर देखा हुआ है। सब आपको क्या करना है, टेलीग्राम पर जाना है और टेलीग्राम पर सर्च करना है MCA वाली, देन आपको मेरी फोटो के साथ ये वो मिल जाएगा। ये आ गया MCA वाली के नेम से, इसमें आपको सारी वीडियोस फोटोज सब चीजें आपको डिटेल में कंप्लीटली मिल जाएंगी। ओके, अब देखते हैं आगे क्या क्या करना है हमें। आज हम टेबल की सारी प्रॉपर्टीज को खत्म करेंगे। तो सबसे पहले हम अपने सिस्टम में सबलाइन टेक्स्ट ऑन कर लेते हैं। ये हमारी लास्ट टाइम की फाइल है, इसी में वर्क कर लेते हैं। छोड़िए, कंट्रोल एन करके मैंने न्यू पेज ले लिया। अब देखो इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले आपको अपनी फाइल को सेव करना है। मैंने ये फाइल डेस्कटॉप पे सेव कर रही हूँ। डेस्कटॉप पे ये फाइल मैंने table.html के नेम से सेव कर दी। ये फाइल भी मैं अभी जस्ट आपको, अगर ये फाइल सेम टू सेम आपको चाहिए, मैं इसे टेलीग्राम पे इसके शेयर कर दूंगी, इसे आप वहां से इसकी पूरी कोडिंग को डाउनलोड कर सकते हो। मैंने टेबल टैग स्टार्ट किया HTML, www.html, यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो। टाइटल है ये आपका, HTML लिख दिया मैंने इसमें। अब हमें क्या करना है, टेबल टैग स्टार्ट करना है। आज हम सीखने वाले हैं रो स्पेन कॉल स्पेन। सबसे पहले टेबल टैग मैंने स्टार्ट किया, इसके अंदर फर्स्ट रो क्रिएट कर लेते हैं, देन रो के अंदर बनता है TD टेबल डाटा, एंड अगेन टेबल डाटा बनाते हैं, कॉपी पेस्ट कर लेते हैं थोड़ा सा काम। वैसे सब लाइन में हम कंट्रोल के साथ एक साथ कर्सर से लिख भी सकते हैं। बॉर्डर और विड्थ दे देते हैं यहाँ पर, बॉर्डर 2 एंड विड्थ 100, 100% आई थिंक ज़्यादा हो जाएगी, 60%। सेव कर ली है मैंने फाइल, चेक करते हैं यहाँ पर फाइल को सेव किया था। टेबल ये रही, टेबल नेम से ये आ गया, हमारी विड्थ कंप्लीट दे दी है, हाइट हमने इसे दी नहीं है, हाइट भी दे देते हैं। हाइट सेव, रिफ्रेश, ये आ गई। अब देखो आपको क्या करना है, हाइट भी 60, सेव रिफ्रेश, काफी है। कंट्रोल सी, मैं इसमें 3 रो बनाऊंगी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी। आई होप ये आपको क्लियर आ रहा होगा समझ में। टेबल के अंदर हमने 3 रो बना ली हैं। सेव एंड रिफ्रेश, ये इतना ही काफ़ी है। अब देखो इसमें इतना वर्क तो आपको ये मैं लास्ट वीडियो में बता चुकी थी, टेबल बनता कैसे सिंपल, ये मैंने टेबल क्रिएट किया है अभी तक। अब सपोज आपको पर की जो तीनों बॉक्स हैं, तीनों सेल हैं, उन्हें मर्ज करना है, तो ये हमारा क्या है, रो। इसके लिए लगाएंगे हम फर्स्ट इसमें कॉल स्पैन। कॉल स्पैन इज इक्वल टू, इसके अंदर आप उतने डिजिट डालोगे जितने बॉक्स को आपको एक साथ मर्ज करना है। मुझे, मैंने अभी बताया तीनों बॉक्स को मैं ऊपर वालों को मर्ज करना चाहती हूँ, तो इसके लिए हमने इसमें क्या डाल दिया, कॉल स्पैन TR में, सॉरी मैंने गलत जगह डाल दिया है, TD में डालते हैं ये, कंट्रोल एक्स एंड यहाँ पर कंट्रोल पेस्ट। ये देखो फर्स्ट बॉक्स मर्ज हो गया। अब ये 2 बॉक्सेस एक्स्ट्रा हैं, ध्यान से समझना, मैं आपको बहुत अच्छे से एक ट्रिक बताने वाली हूँ।
देखो ये दो बॉक्स हमारे बाहर निकल के आ गए क्योंकि हमने फर्स्ट बॉक्स को तीन के बराबर कर दिया, एक तरीके से मर्ज कर दिया। अब ये दो बॉक्स हमारे बाहर निकल गए, हमें क्या करना है, इन दोनों बॉक्स को डिलीट कर देंगे वहां से। ये हमारे दोनों बॉक्स को हमने क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। सेव एंड रिफ्रेश, चेक करो ये हो गया क्लियर इतना। अगर सपोज है मुझे ये कॉर्नर के जो दोनों सेल हैं इन्हें मर्ज करना है आपकी बार, तो ये जो सेकंड वाला सेल है, थर्ड रो का सेकंड सेल, थर्ड रो ये रही हमारी सेकंड सेल, इसमें क्या लगाएंगे हम, कॉल स्पेन टू, क्योंकि अभी हमें कितने बॉक्स को मर्ज करना है, टू को। ये देखो एक बॉक्स एक्स्ट्रा जो थर्ड वाला था वो बाहर निकल गया, तो हम इसे यहाँ पे जाके चाहे तो डिलीट कर सकते हैं, आप चाहो तो उसे अलग एक और रो बना के यूज भी कर सकते हो। ये देखो ये दोनों मर्ज हो गए ऐसे ही। ये अभी मैंने आपको बताया कॉल स्पेन, सेम टू सेम ऐसे ही रो स्पेन लगती है। रो स्पेन के क्या लिए क्या करेंगे, एक और टेबल क्रिएट कर लेते हैं नीचे, और सेव और रिफ्रेश, ये आ गया सेकंड बॉक्स। अब देखो इस टेबल में सपोज एम हमें ये वाले तीनों सेल को एक साथ मर्ज करना है, कॉर्नर वाले। अब की बार मैंने कहा है जो थर्ड फर्स्ट रो का थर्ड सेल है इसे मुझे तीनों बॉक्सेस को एक साथ मर्ज करना है। इसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर थर्ड इसमें जाएंगे थर्ड वाले बॉक्स में, और यहाँ पर हम लगा देंगे अब की बार रो स्पेन। अभी मैंने बताया कितने बॉक्स को मर्ज करना है हमें, तीन को, तो तीन के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे थ्री। इसका कलर इसलिए चेंज हुआ। सेव एंड आई थिंक ये फाइल सेव नहीं हुई है यहाँ पर। सॉरी मैंने कहा था फर्स्ट रो के थर्ड बॉक्स को, और मैंने थर्ड उसमें लाइन में लगा दिया, ये मैंने गलत लगा दिया है। इसे कट करते हैं यहाँ से और यहाँ पे फर्स्ट वाले में पेस्ट कर देते हैं। सेव एंड रिफ्रेश, हो गया मर्ज। अब आपको क्या करना है, ये फर्स्ट बॉक्स को मैंने तीन के बराबर मर्ज कर दिया। अब देखो ये वाले दो बॉक्स एक्स्ट्रा है यहाँ पर, इसे क्या करेंगे हम, डिलीट कर देंगे। डिलीट डिलीट, सेव एंड रिफ्रेश, ओके। अब चा बताओ सपोज हम इन दोनों को हम मर्ज करना चाहते हैं, यानी कि फर्स्ट रो में जो लास्ट वाला सेल है उसके दो सेल को मैं मर्ज करना चाहती हूँ, फर्स्ट रो का लास्ट वाले सेल, इसमें यहाँ पे हम लगा देंगे रो स्पेन टू। सेव, क्योंकि दो बॉक्स को मर्ज करने की बात हुई, अबकी बार हो गए मर्ज। ये वाला बॉक्स एक्स्ट्रा है, सेकेंड रो का थर्ड बॉक्स एक्स्ट्रा है, तो सेकंड रो ये है और उसका ये वाला बॉक्स एक्स्ट्रा, से सेव किया। रिफ्रेश, आपका बॉक्स हो गया सेट बिल्कुल परफेक्टली तरीके से। थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग वीडियो। अगर आपको ये वाली सेम कोडिंग चाहिए, मैं इसे जस्ट अभी टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर रही हूँ, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो प्रॉपरली कंप्लीटली। थैंक यू फॉर दिस।